बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आने वाली हर सरकार से जनता को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। लोगों को लगता है कि इस बार उनकी उम्मीदों को पूरा होना हर हाल में तय है। इसी वजह से इस वक्त योगी सरकार का सबसे पहला फोकस बुनियादी सुविधाओं और बेहतर बनाने पर है। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर रोजगार तक के एजेंडे में सबसे ऊपर है, तो वहीं किसान और मजदूर वर्ग पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। बड़े जनादेश का ये रिटर्न गिफ्ट है, इसलिए तमाम मंत्री महामंथन में अपने प्रेजेंटेशन से पहले सधे हुए शब्दों में बोलते नजर आए। लोकभवन में इसी तरह एक एक कर तमाम विभागों के मंत्री पहुंचे। सौ दिन के कामकाज के रोड मैप पर महामंथन के लिए पहुंचने वाले हर मंत्री के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी। हर जुबां पर सौ दिन के लिए महासंकल्प का दावा था। इसी से समझा जा सकता है कि ये बैठक इनके लिए कितनी अहमियत रखती है। जनता से जुड़ा हुआ एक विभाग है और हमारे यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, कम पैसे में ज़्यादा यात्रा कर सकें और सुविधाएं, साफ सफाई की व्यवस्था हो, समय से हमारी जो है बसें चलें, और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जी, महत्वपूर्ण बैठक है, सभी बैठकें महत्वपूर्ण होगी और जो हमने संकल्प पत्र वादे किए उनको पूरा करेंगे, ऐसा प्रयास है। विजन में क्या करेंगे, सहकारिता में क्या करेंगे, कैसे बेहतर करेंगे, क्या विजन है? देखिए, सहकारिता में किस तरीके से करेंगे, जो मूल उद्देश्य है जन कल्याण की भावना है, किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है, तो किसानों के लिए उसको सही समय पर खाद उपलब्ध हो जाए और बाकी कृषि यंत्रों के लिए जो उसको जरूरतें हैं वो सब उपलब्ध हो जाए, इसका प्रयास है पूरी। एक बड़ा विभाग है, एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला विभाग है, प्रदेश सरकार को देता है और हमारा मेरा लक्ष्य ये भी है कि हम पिछले साल के सापेक्ष इस साल उस रेवेन्यू को बढ़ाएं भी। अच्छा। तो इस बारे में भी हम लोग आगे कदम बढ़ा रहे हैं। 25 मार्च को योगी 2.0 सरकार ने शपथ ली थी और 5 अप्रैल को यानी तकरीबन 10 दिन बाद शुरुआती 100 दिन के काम का लक्ष्य तय करने के लिए महामंथन की ये तस्वीरें बताने को काफी हैं कि सरकार शुरुआत में ही एक्सप्रेस रफ्तार में काम करना चाहती है। सीएम योगी के सामने हर विभाग के प्रेजेंटेशन की खास तैयारी की गई थी। इस मीटिंग से पहले मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने हर विभाग के प्रमुख सचिवों के साथ मैराथन बैठक की, सभी विभागों के प्रेजेंटेशन पर चर्चा की। 100 दिन के एजेंडे के हर पॉइंट को बारीकी से अंतिम रूप दिया गया, जिससे तय समय के भीतर हर विभाग के एजेंडे की पूरी तस्वीर मुख्यमंत्री के सामने पेश की जा सके और तय किया जा सके एक्शन प्लान। एक्शन प्लान पर चर्चा के लिए पिछले 5 साल की उपलब्धियां भी सामने रखी गयी, जिससे यहाँ से आगे बढ़ने और नई कामयाबी हासिल करने पर मंथन हो सके। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय ने तमाम प्रस्तावित योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की भी लिस्ट मांगी है, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में राज्य का दौरा कर जनता को चुनावी वादों के मुताबिक बड़ी सौगात दे सके। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विदेश पांडे की रिपोर्ट।